जी, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ईमेल्स डिलीट हो जाती हैं उनको हम किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं अपनाएंगे। टाइप पासवर्ड, ओके जी, ये हमारा इनबॉक्स है। वी हैव 144 ईमेल्स, चाहे जो भी है। सो लेट्स से कि आप सिलेक्ट कर रहे थे, आप किसी एक फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, सपोज ये, तो यू हैव डिलीटेड, या मूव करें, डिलीट कर दिया आप, और आपने सिलेक्ट ऑल कर ली फाइल्स, ईमेल्स, और यू हैव डिलीटेड ऑल द ईमेल्स, तो आपके सारा इनबॉक्स भी देखिए 118 मोर है, तो आप इनको भी सिलेक्ट करें और डिलीट करें। 93 रह गई हैं, इन्हें भी सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। सो सिलेक्ट 68 रिमेनिंग्स एंड डिलीट देम आल्सो, 43 डिलीट देम आल्सो। ठीक है, 18 ईमेल्स यू हैव रिमेनिंग, चाहते हैं तो इनको भी सिलेक्ट ऑल कर दें और डिलीट कर दें, तो नो ईमेल्स इन इनबॉक्स। आपकी सारी ईमेल्स कहाँ चली गई हैं? फर्स्ट टाइम जब आप डिलीट करते हैं तो ये ट्रैश बॉक्स में या बिन में चली जाती है। ठीक है, ये हमारे पास बिन है, बिन, तो व्हेन वी क्लिक ऑन बिन तो ये हमें सारी ईमेल्स अपनी शो कर देगी। अगर आप यहाँ से एम्प्टी कर देते हैं बिन, तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं यहाँ पर। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे उनको भी रिस्टोर करने का, या उनको ईमेल्स को रिट्रीव करने का क्या तरीका कार। सो अभी हम अपने बिन में, सो इन ट्रैश, वी आर इन ट्रैश, तो हमारे पास यहाँ पे 192 ईमेल्स हैं। दो तरीके हैं, एक तो आपके पास यहाँ से सर्च बॉक्स में चले जाएं, इधर ही क्लिक करके, या जैसे आप इनबॉक्स में आ जाएं और इनबॉक्स में रहते हुए सर्च मेल में जाके आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करें। इधर मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, आप अपनी ईमेल का साइज दे सकते हैं, आप अपना डेट की रेंज दे सकते हैं, आज जो डिलीट होगी मुझसे ईमेल, या एक हफ्ते के अंदर जो जो मेरे से मेल डिलीट हुई है मैं उसको रिकवर करना चाहता हूँ, तो यू हैव पर्टिकुलर डेट रेंज पैरामीटर। अब मैंने सारी ईमेल्स को रिट्रीव करना है अपने बिन में से, तो मुझे ऑल मेल करना पड़ेगा, लेकिन फ्रॉम वेयर मुझे बताना पड़ेगा इसको बिन में से। सो बिन, आई हैव सेलेक्टेड बिन। आप अगर सिर्फ अटैचमेंट वाली फाइलें रिट्रीव करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप सर्च कर लें। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास देखिए यहाँ पे इनेबल होगी ऑप्शन। अभी जैसे मैं किसी भी ईमेल को, इफ़ आई वांट टू रिट्रीव पर्टिकुलर ईमेल, तो मैं इसको चेक करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, तो मेरे पास ये देखिए यहाँ पे एक मेन्यू बार ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि आप इसको फर्दर डिलीट करना चाहते हैं, इसको अनरीड करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, जैसे ये रीड हो गया, अनरीड करना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको मूव कहाँ करना चाहते हैं, तो मैं मूव टू इनबॉक्स पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरी ईमेल मेरे इनबॉक्स में आ गई है। सो आई हैव वन ईमेल इन माई इनबॉक्स। सो क्योंकि 191 है तो मैं इनको पेज वाइज सब को सिलेक्ट करूँगा, और सारों को पेज वाइज सेलेक्ट करके आप मूव कर देंगे इनबॉक्स में। अभी मेरे पास 141 रिमेनिंग है, तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा और मूव करूँगा इनबॉक्स में। 91 रह गई हैं, ये ले जी, सारी सिलेक्ट की, मूव किया इनबॉक्स में। ओके 41, तो ये मेरी ऑल ईमेल्स फ्रॉम माय बिन फोल्डर हैज़ बिन मूव टू, सो दीज ईमेल्स हैव बिन मूव टू द इनबॉक्स। अब आप इनबॉक्स में देखें 145 ईमेल आ गई। सो ये तरीका है कि आप अपनी ईमेल को जो आपकी फर्स्ट टाइम पे आपसे अन मिस्टेक के साथ या किसी भी तरीके से रीड करते हुए डिलीट हो जाए, तो आप उसको किस तरीके से रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप परमानेंट ईमेल्स जो डिलीट हो जाती हैं उनको किस तरीके से रिस्टोर कर सकते हैं। सो थैंक यू।